हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार चिकन फ्राइड की रेसिपी। बहुत ही आसान है इसे घर पे बनाना और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन फ्राइड हमारा बन के रेडी होगा। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन फ्राइड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन लेग पीस लिए हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इन्हें आधे घंटे के लिए नमक के पानी में रखा था और उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश करके यहाँ पर ले लिया है। नमक के पानी में रखने से ये बहुत ही जूसी बनते हैं अंदर से। तो अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे आधा नींबू का रस लिया है और इस आधा नींबू के रस में हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उससे पहले हम इसमें ऐड कर लेते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैं तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें नमक ले रहे हैं और इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। सारे पीसेस पे अच्छी तरह से रब करके हम ये कोटिंग अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और नींबू की कोटिंग कर देंगे अच्छी तरह से। हाथों से अच्छी तरह से हम एक एक पीस पे लगाएंगे जिससे अंदर तक ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, अच्छे से इसका टेस्ट अंदर तक सारे पीसेस में आ जाए। तो बस अब इसको हम कवर करके रख देंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसे रख रही हूँ। आप इसे जल्दी में है तो आधे घंटे तक ही आप इसे रख सकते हैं। तो मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देती हूँ। आप चाहें तो आप इसे किचन काउंटर पे भी रख सकते हैं। तो मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने सारे पीसेज एक अलग बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच ले रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन 2 चम्मच ले रही हूँ धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये सब 1 छोटी चम्मच है, और 1/2 चम्मच के करीब लिया है मैंने यहाँ पे रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर लिया है और 2 चम्मच यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ मैं। दही आपका पानी वाला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा दही लें आप। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ कलर के लिए। आप चाहें तो कलर की जगह पे आप कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में ले लें तो उससे भी कलर अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर ले लिया है और उसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। 1 अंडे को तोड़ के हम इसमें ऐड कर लेंगे और अब इसको हम हाथों से अच्छी तरह से रब कर लेंगे। सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक एक पीस पे अच्छी तरह से कोट कर देंगे। ये मैंने सारे पीसेस पे अच्छी तरह से मसाला कोट कर दिया है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर कह लीजिए आप, ये 1/4 कप मैंने लिया है। और स्पून से लेना है तो आप 4 चम्मच लें और 2 छोटे चम्मच लेना है आपको मैदा, और अगर आप कप से मेज़र करते हैं तो 1/4 कप आपको लेना है कॉर्न फ्लावर और 1/8 कप लेना है आपको मैदा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक एक पीस पे अच्छी तरह से कोट करना है। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से कोट कर दिया है हाथों से, बहुत अच्छी तरह से एक एक पीस पे हमने कोट कर दिया है। अब इसको आप आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखें और उसके बाद आप इसे फ्राई कर लें। तो फ्राई करने के लिए जब आप ऑयल में डालेंगे, ऑयल आपका बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और मैंने एक एक पीस करके सारे पीसेस में ऐड कर देने हैं। फ्लेम को अभी आपको हाई रखना है। जब आप पीस ऐड कर रहे हैं तब आपकी फ्लेम हाई रहेगी। सारे पीसेस हमने ऐड कर लिए एक एक करके। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ देंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे इस तरह से फ्लिप कर देंगे। एक एक पीस को हम इस तरह से फ्लिप करेंगे, पलट लेंगे।
बहुत ही आपको हल्के हाथ से इसको पलटना है, नहीं तो कोटिंग छूट सकती है। तो बहुत ही आराम से ये मैंने पलट लिए हैं और एक मिनट के लिए इधर से भी इसको सिक जाने देते हैं। तो एक मिनट के बाद हम इसे फिर से टर्न कर लेंगे, फिर से फ्लिप कर लेंगे इस तरह से। तो सारे पीसेस हमने इस तरह से टर्न करने हैं, पलट लेने हैं। ये देखिए सारे पीसेस को मैंने फ्लिप कर लिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, जिससे हमारा जो चिकन है वो प्रेशर में अच्छी तरह से पक जाएगा। और 10 मिनट के लिए बिल्कुल आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देना है 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे ओपन करके देखते हैं। 10 मिनट के बाद हम एक एक पीस करके इसमें से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है, बट इसको हम अभी एक बार और फ्राई करेंगे। तो हम इसके एक एक पीस को निकाल लेते हैं बाहर, कोटिंग भी हमारी अच्छी तरह से चिपक गई है। ये देखिए हमने निकाली इसको बाहर और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और ऑयल को हम एक बार फिर से अच्छा गर्म कर लेते हैं। जो ऑयल कढ़ाई में है उसे मैंने गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें दोबारा से हम एक एक पीस करके ये सारे पीसेज ऐड करेंगे। तो जितने पीसेज एक बार में आएंगे उतने हम पीस इसमें ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 पीस ऐड कर रही हूँ और फ्लेम हमारी अभी हाई है और फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके रखेंगे। और 2 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेते हैं और हमारा ये बहुत ही क्रिस्पी सा चिकन फ्राइड रेडी हो गया है। चिकन फ्राई हमारा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो बिल्कुल होटल के जैसा, बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा हमारा क्रिस्पी चिकन फ्राई होके हमने निकाल लिया है। और आप इसे हरे धनिए की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, या आप इसे सिंपल नींबू और प्याज के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। And thanks for watching this video.